हेलो दोस्तों, मैं लोटोन, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। आप देख रहे हैं एक नया वीडियो जो BPL TV का फॉल्ट, पावर स्टॉपिंग का प्रॉब्लम है, पावर का प्रॉब्लम है इसका। जो आप लोग देख सकते हैं ये PCB BPL का ओरिजिनल है। ये रहा TV हमारा 21 इंच का। इसका जो पावर प्रॉब्लम है, इसका आउटपुट पावर जो 120 वोल्ट होना चाहिए वो हमारा निकल रहा है 50 वोल्ट, और हमारा वोल्टेज फिकरिंग कर रहा है, अप डाउन कर रहा है। ये हमारा सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है पावर का। हमने बहुत ढूंढा है इसका प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होता है। ये जो हमारा फोटोकॉपलर चेंज किया हुआ है, फिर भी फोटोकॉपलर चेंज किया हुआ है, और दो ट्रांजिस्टर जो होता है 18-15 और 18-10-15, और जो ट्रांजिस्टर चेंज किया हुआ है, और फिर भी मेरा पावर ओके नहीं हुआ है। इसीलिए मैं इसका पावर ओपन करके, आप लोग देख सकते हैं इसका पावर ओपन करके ये फोटो का ओपन कर दिया है, और ये जो चॉपर का आदर्श पॉइंट इसको भी ओपन कर दिया है, और आउटपुट ट्रांजिस्टर को भी ओपन कर दिया है। इसका बदले में हम लोग इस पावर को चलाने, टीवी को चलाने के लिए हम लोग इसको मॉड्यूल बॉक्स लगा के इसका पावर रेडी करेंगे और टीवी चला के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसका मॉड्यूल लगा के देखते हूँ। दोस्तों मैंने ये वाला मॉड्यूल बॉक्स लगाऊंगा। ये 3 वायर वाला जो मॉड्यूल बॉक्स होता है, ये 3 वायर वाला मॉड्यूल है। इसका जो कनेक्शन होता है, इसका तो ब्लैक वाला ग्राउंड होता है, रेड वाला हाई सिंक के लिए होता है, और ब्लू वाला फोटोकॉप के लिए होता है। लेकिन दोस्तों मैं ये फोटोकॉप का लाइन ओपन करके यहाँ से काट दूंगा, और मैं ये दोनों वाला दो जो वायर है इसको कनेक्ट करके हम लोग वोल्टेज निकालेंगे। दोस्तों ये मैंने एक लैम्प लगा के रखा है, ये 120 वोल्ट जो आउटपुट होता है, और ये वाला जो मॉड्यूल का पॉइंट है, मैंने यहाँ पे मॉड्यूल का कनेक्शन लगा लिया है, ये वाला हाई सिंक का और ये वाला ग्राउंड है, और ये जो वाला जो प्रीसेट है मैंने इसको अप डाउन करके वोल्टेज सेलेक्ट करूँगा कि क्या वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा वोल्टेज रेडी हो गया है, ये वाला जो लैम्प हमारा जल गया है, और ये 120 वोल्ट का रेडी हो गया। उसके पहले हम इसका मॉड्यूल बॉक्स का जो हीट सिंक होता है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये मॉस्फेट काट सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको फिटिंग करके हम लोग पिक्चर देख लेते हैं, और हमारा ये जो 110 वोल्ट का जो कनेक्शन आउट किया हुआ है इसको कनेक्ट करेंगे तो टीवी ऑन होगा। दोस्तों ये हो गया हमारा टीवी चालू। ये हमारा टीवी को रिमोट से ऑन करना पड़ता है, और टीवी को पिक्चर आने के लिए आप लोग देख सकते हैं टीवी पे पिक्चर आ गया है, और हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। गुड नाइट।